हेलो फ्रेंड्स, आफरीन का किचन में आपका स्वागत है। आप सभी को बकरीद मुबारक हो। बकरीद पर मटन की नई नई रेसिपीज़ बनाना हम सभी को पसंद होता है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास मटन की रेसिपी, जिसे कि हम लोग हर साल बकरीद पर स्पेशल तौर पर बनाते हैं और वो है पेपर मटन, जिसे कि हमारे यहाँ मुल्तानी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और सिर्फ चार चीज़ों से मिलकर बनती है। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो पेपर मटन या मुल्तानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मटन, तो हमने हाफ के जी मटन लिया है। इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है तीन चार पानी से। तो इसे डाल लेते हैं कुकर में। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हम पेपर मटन बना रहे हैं इसलिए काली मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसमें। आधा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा ज्यादा डाल रहे हैं हम इसमें। इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच देसी घी। अगर आपके मटन में फैट है तो बिल्कुल मत डालिए, अगर फैट नहीं है तो फिर थोड़ा सा घी डाल दीजिए इसमें। घी के साथ ही मैं इसमें डालू दो चम्मच तेल। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, थोड़ी देर इसे गैस पे पकाएंगे इसे ऐसे ही। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसे रख लेते हैं गैस के ऊपर। तो गैस को ऑन कर लेते हैं और थोड़ा देर मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे। तो आप भी इस बकरीद पे से जरूर ट्राई करो, बहुत अच्छा बनता है ये। इतनी बड़े मजे से खुशबू आने लगी है। तो देखिए 5-7 मिनट हमने इसे हिला लिया है, थोड़ी देर और हिला लेते हैं फिर इसमें हम सीटी लगाएंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे खुला बना सकते हैं। तो लगभग 10 मिनट तक हमने इसे खुला पका लिया है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर इस पर सीटी लगाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। तो हमने सिर्फ 5-7 चम्मच पानी लिया है, डाल रहे हैं इसके अंदर। हाँ कप से ना पे तो 1/4 कप पानी है ये। तो बस ढक्कन को लगा लेंगे और इस पर सीटी लगाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। तो मीडियम आंच पर सीटी लगाएंगे हम इस पर। तो पहले हमने इस पर 3 सीटी लगा ली, गैस को कर लेते हैं बंद और प्रेशर निकलने के बाद देखेंगे कि टेंडर हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रेशर अच्छे से निकल चुका है, तो कुकर खोल के देख लेते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से गला है या नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक पीस निकालते हैं और देखते हैं। देखिए अच्छे से गल गया है बिल्कुल बढ़िया से। तो इसको वापस डाल देते हैं और गैस को वापस से ऑन करेंगे। और जो इतना पानी दिख रहा है हमें इसके अंदर, बिल्कुल इसे खुश्क कर देना है भून के। अगर आपको लगे गोश्त अच्छे से नहीं गला तो 1-2 सीटी वापस आप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए सारा पानी इसका खुश हो गया, अच्छे से भून गई है। तो बस गैस को कर लेते हैं बंद और आइए सर्व करते हैं। तो इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए हमने प्लेट ली है जिसमें हमने पहले से सलाद रखी हुई है। तो इसमें डाल लेते हैं पेपर मटन। देखिए कितना लजीज नजर आ रहा है और जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। तो लीजिए तैयार है जबरदस्त टेस्टी पेपर मटन या मुल्तानी। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा लजीज बनती है कि जब आप इसे बनाएंगे या सर्व करेंगे तो सभी उंगलियां चाट चाट कर तो इसे खाएंगे ही, साथ ही आपसे इस लजीज मटन की रेसिपी भी पूछेंगे। तो आप भी इस बकरीद पर इस टेस्टी रेसिपी को ज़रूर बनाएं, सभी को खिलाएं और हाँ हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।